हेलो डियर स्टूडेंट, लेट अस डिस्कस अबाउट प्राइमरी सेल अंडर चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो हम डिस्कस करेंगे बेसिकली अबाउट प्राइमरी सेल। डियर स्टूडेंट, are those chemical cells, no doubt, which used to work under redox concept and in which chemical energy converted into electrical energy are known as primary cell. But you know, these chemical cells can't recharge after discharge. क्योंकि इन chemical cell को discharge होने के बाद हम recharge नहीं कर सकते हैं, दैट्स व्हाई देयर नेम इज गिवन एज प्राइमरी सेल्स। ओके, मींस दीज केमिकल सेल्स आर नॉट रिचार्ज After discharge, यानी discharge होने के बाद इनको हम recharge नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम primary cells कहते हैं। For example, as dry cells and mercury cells. These are two most eminent examples of primary cell. सब समझ गए हैं, primary cell dear student वो chemical cell होते हैं जिन्हें discharge होने के बाद हम recharge नहीं कर सकते। जैसे इसमें एक है आपका dry cell और second category है mercury cell। अब आप देखिए, सबसे पहले what do you mean by dry cells? बेटा ड्राई सेल्स को हम लेकलांची सेल्स भी बोलते हैं। व्हाई दीज आर कंसीडर्ड टू बी लेकलांची सेल? बिकॉज दीज वर डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट लेकलांची। चूंकि इनको साइंटिस्ट लेकलांची ने डिस्कवर किया था, अल्टीमेटली ड्राई सेल का दूसरा नाम लेकलांची सेल भी होता है। अब देखिए, इनमें हमें देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन देयर फिगर। एक्चुअली such chemical cells are made of chain. इनका जो कवर होता है, कवर चारों तरफ, वो जिंक मेटल का बना होता है और इनमें जो कवरिंग होती है चारों तरफ वो जिंक की होती है और इनके बीच में एक ग्रेफाइट की रॉड पड़ी रहती है। तो जिंक का जो कवर है वो एनोड का काम करता है, ग्रेफाइट की रॉड बीच में वो कैथोड का काम करती है और इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में पेस्ट भरा होता है NH4Cl का, जो कि इलेक्ट्रोलाइट कवर करता है। इलेक्ट्रोलाइट यू नो, जिसमें केमिकल एनर्जी स्टोर रहती है और साथ में ZnCl2 का भी पेस्ट रहता है। ओके, तो अब इसकी देखिए, एनोड के रूप में किसे यूज करते हैं, कैथोड के रूप में किसे यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसे यूज करते हैं, एनोड पर होने वाली ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, कैथोड पर होने वाली रिडॉक्स रिएक्शन क्या है और इसकी ओवरऑल रिएक्शन क्या है। This is the most important information about dry cells, and you have to concentrate about this one. Okay, so देखिए, कौन इसमें क्या वर्क कर रहा है? ये देखिए, dear student, इसमें जिंक, जिसका कि जिस मेटल का सेल का कवर बना होता है, it is used as anode. इसको एनोड की तरह यूज करते हैं and graphite rod surrounded by powder of MnO2 and carbon. It is used as cathode. इसमें जो graphite rod होती है
और उस ग्रेफाइट रॉड के चारों ओर मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पाउडर सराउंडेड स्टेट में होता है, यानी ग्रेफाइट रॉड के चारों ओर मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पाउडर भरा रहता है। दिस इज यूज्ड एज कैथोड। और यहां पर पेस्ट ऑफ NH4Cl, एडम इसके साथ जिंक क्लोराइड भी होता है, कुछ क्वांटिटी जिंक क्लोराइड की भी रहती है, लेकिन मेनली ये यूज करते हैं विद ZnCl2, यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। इसे हम इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज करते हैं। ओके, अब देखिए इसमें एनोड पर होने वाली रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, कैथोड पे होने वाली रिडक्शन रिएक्शन होगी, और दोनों को जोड़ देंगे तो ओवरऑल रिएक्शन होगी। तो आप देखिए इट्स वर्किंग में सबसे पहले इट्स वर्किंग के अंतर्गत सबसे पहले देखेंगे कहां, एट एनोड। सबसे पहले वर्किंग हम दिखा दें आपका इलेक्ट्रोलाइट का रोल फॉर दी इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो NH4Cl है, इट यूज टू ब्रेक इंटू आयंस। ये बेटा इलेक्ट्रोलाइट सिंपली ब्रेक इंटू आयंस, NH4 इलेक्ट्रोलाइट के मीन वर्क होता है सिंपली ब्रेक इंटू आयंस। नाउ सी इट्स वर्किंग एट एनोड, एट एनोड, एनोड में देखिए क्या होगा। एनोड में बेटा जैसा आपने बताया था जिंक का कवर बना होता है, और दैट इज यूज्ड, जिंक का जो कवर है वो जिंक का कवर सिंपली इसमें वर्क करता है, ये एनोड पे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जेड एन यूज टू लूज टू इलेक्ट्रॉन। अल्टीमेटली यहां क्या हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन। आप देख सकते हैं यहां पर इसका सब सब ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और आप देखिए नेक्स्ट एट कैथोड, व्हाट विल हैपन एट कैथोड। कैथोड में क्या था, मैंने बताया था MnO2, और यहां इलेक्ट्रोलाइट के रूप में NH4 पॉजिटिव। और चूंकि इसने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया है, दोज इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन बाय दिस, टू इलेक्ट्रॉन लूज किया था, टू इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो यहां पर ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा MnO इंटू OH, हाइड्रोक्सी मैग्नीज ऑक्साइड प्लस NH3। बेटा यहां पर चूंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसलिए इसका हो रहा है रिडक्शन। दो चीजें साफ देख लीजिए, जिंक के ऑक्सीडेशन स्टेट दो तरह से हम गेस करते हैं। कैसे जानेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है, आपको दो ही सिंपल तरीके मालूम है ऑक्सीडेशन के, या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है उससे गेस करिए इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, या दूसरी चीज देख सकते हैं यहां जिंक के ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है और यहां +2 है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। बाय द सेम वे मैग्नीज डाइऑक्साइड NH4 पॉजिटिव, यहां पे टू इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट्स रिडक्शन टेक प्लेस। दूसरी कंडीशन में यहां पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और यहां Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर यदि घट रही है तो नो डाउट इट इज ट्रीटेड अंडर द रिडक्शन, इसका रिडक्शन हो रहा है। ओके, हाँ इसको बैलेंस करना भी जरूरी है, यू हैव टू बैलेंस इट। चार्ज यहां पे -2 चार्ज है, तो यहां पे 2 लगाना पड़ेगा, तो यहां पे करना पड़ेगा, तो यहां करना पड़ेगा, सो दैट इन दोनों को हम ऐड करें तो कैंसिल हो जाए, तो 2-2 ऐड कर देंगे पूरे। नाउ इट इज गोइंग टू बैलेंस कंप्लीटली, अब कंप्लीट बैलेंस है। अब इसके बाद लिखेंगे यहां ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन मींस रेडॉक्स रिएक्शन। अभी तो मैंने आपको इंडिविजुअली एनोड पर होने वाली ऑक्सीडेशन रिएक्शन और कैथोड पर होने वाली रिडक्शन रिएक्शन को डिस्कस किया। ओवरऑल मींस इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म, कॉम्बिनेशन स्टेट में, कॉम्बिनेशन स्टेट में आप ऐड कर देंगे ZN हुआ
और प्लस ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए तो जेड एन प्लस ट्वाइस एम एन ओ टू प्लस ट्वाइस एन एच फोर पॉजिटिव गिव्स आउट ये जेड एन देखिए जेड एन प्लस टू प्लस ट्वाइस एम एन ओ इंटू ओ एच हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी मैग्नीज ऑक्साइड प्लस ट्वाइस एन एच थ्री। डियर स्टूडेंट दिस इज द रेडॉक्स रिएक्शन और आप इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं दिस इज द रेडॉक्स रिएक्शन बिकॉज दिस रिएक्शन इज फुल्ली रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहां पर जेड एन का जेड एन प्लस टू में ऑक्सीडेशन हो रहा है एम एन प्लस फोर का एम एन ओ टू एम एन प्लस फोर का एम एन प्लस थ्री में रिडक्शन हो रहा है दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी द रेडॉक्स रिएक्शन। ओके और अब एक चीज इसमें बताना जरूरी है यहां अमोनिया रिलीज हो रही चूंकि इसका यूज डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस में किया जाता है जैसे सपोज इट इज यूज इन रेडियो इट इज यूज इन डिफरेंट वाल्व वाल्व्स दीज आर यूज इन कार्स तो इनके यूज करते समय अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन अमोनिया की पंजेंट स्मेल आना चाहिए लेकिन वहां पर पंजेंट स्मेल नहीं होती। आप टॉर्च में इनको डाल करके यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक टॉयज में डालकर यूज कर रहे हैं या वाल्व वॉच में यूज कर रहे हैं क्या हैव यू रियलाइज द स्मेल ऑफ पंजेंट स्मेल ऑफ अमोनिया नेवर। तो अमोनिया यहां तो रिलीज हो रही है तो अमोनिया जाएगी कहां बेटा इसीलिए इसमें पेस्ट लिया गया था ZnCl2 का पेस्ट अमोनिया को एब्सॉर्ब करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है और हमें इनके ड्यूरिंग देयर यूज वी कांट रियलाइज द स्मेल ऑफ पंजेंट स्मेल ऑफ अमोनिया। ओके तो ये देखिए कैसे होगा इसमें जो पेस्ट पड़ा था ZnCl2 का ये अमोनिया को एब्सॉर्ब कर लेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा ZnNH3O4Cl2 ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया टेट्रामीन जिंक क्लोराइड ऑन अकाउंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस ड्यूरिंग द यूज ऑफ ड्राई सेल्स वी कांट रियलाइज The pungent smell of ammonia. And one thing more, इस सेल की क्या वर्किंग कैपेसिटी means इसका जो सेल पोटेंशियल है देयर सेल पोटेंशियल इज 1.50 1.25 से 1.5 मोस्ट ऑफ द चांसेस में रहता है 1.5 लेकिन डिस्चार्ज होने बाद इनको हम रिचार्ज नहीं कन्वर्ट कर सकते दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड अंडर प्राइमरी सेल। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से मैंने डिस्कस किया कंप्लीटली अबाउट द प्राइमरी सेल मींस ड्राई सेल्स व्हिच इज आल्सो नोन एज लैक्लांसी सेल राइट।